रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को रजनी के किचन में एक बार फिर से वेलकम, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरा लास्ट व्लॉग कैसा लगा? थैंक यू सो मच आप लोगों के फीडबैक का। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आए, कमेंट्स आए। आज मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत दिनों से मेरे पास फरमाइश आ रही थी कि आप हमें स्टू का कीमा या दो प्याज़ा कीमा बनाना सिखाएं। तो हमने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि बकरीद गुजरी है, गोश्त के आइटम कोशिश कर रहे होते हैं, नए नए तरीके के बच्चों को खिलाते रहे हैं फैमिली में सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, हाफ के जी मेरे पास मटन का कीमा है। ये इस तरह से हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कीमा है ये कुटा हुआ है, इस तरह का घर का मैंने कूटा हुआ है कीमा ना, आधा किलो, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए हाफ के जी कीमा है तो हाफ के जी ही प्याज है। ठीक है, हाफ के जी प्याज है, हाफ के जी कीमा है, फाइन हम लोगों ने काटा हुआ है। हाफ हम शुरू में लेंगे और अब हाफ बाद में ले लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत झटपट तैयार होने वाला है ये। इसके साथ 1 टेबल स्पून ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, घर के बेसिक। 2 टेबल स्पून भर के दही है और 2 टेबल स्पून भर के ही टोमेटो प्यूरी है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तो 2 टमाटरों को पीस लीजिएगा, 2-2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने लास्ट में, मेरे पास ये एक शिमला मिर्च थी जो कि ग्रीन थी और वो कुछ दिनों बाद रखने से ऑरेंज हो गई, तो मैंने गार्निशिंग के लिए रख ली है। गार्निशिंग करेंगे कुछ अदरक के साथ, कुछ ये वाली मिर्च है, कुछ हरी मिर्च है, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं कुछ हरा धनिया, लास्ट में 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे, कुछ ऊपर से साबुत गर्म मसाला। अगर आपको पसंद है, आप तेज़ खाते हैं तो ये डालेंगे। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार कीमा बनेगा। उसके साथ जो हाफ प्याज हम शुरू में लेंगे, हाफ लास्ट में लेके हल्की सी भुनाई करेंगे, और लजीज किस्म का स्टू का कीमा झटपट तैयार होने वाला और बहुत बजट के अंदर रहने वाला कीमा है ये। क्योंकि देखिए 1/2 केजी आपके पास कीमा है तो 1/2 केजी प्याज है, क्वांटिटी तो बहुत अच्छी हो जानी है। दावतों के लिए आप बनाए, 1/2 केजी में आपकी एक दावत हो जाएगी। चले अब हम लोग चलते हैं स्टोव की तरफ और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के झटपट तैयार करें। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, 1/2 प्याज यानी 1/2 केजी प्याज ली थी, इसमें से 1/2 मैंने डाल दी है। इसको हम लोगों को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस मीडियम से लो फ्लेम पे हमें इतना करना है कि ट्रांसलूसेंट सा इसका कलर हो जाए, बस ऐसे ही होगा। इसमें मैं फ़ौरन थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल के हल्का सा भूनूंगी, कीमा डालेंगे और हल्की सी भुनाई करेंगे, उसके बाद सारे स्पाइसेस डालेंगे। अभी प्याज को मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट और थोड़ा सा पकने दूंगी और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के कीमा डाल के फिर आप लोगों को हम लोग कीमे की शक्ल दिखाते हैं कीमा कैसा है। आप लोग देख सकते हैं जब प्याज का बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा कलर हो गया था तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून लिया था वो, और 1/2 केजी मटन का कीमा जो कि हमने घर में इसको इस तरह से थोड़ा सी टैपिंग करके कूट सा लिया था। कूटा हुआ कीमा बहुत मजे का लगता है स्टू के कीमे में। ये बस इसके साथ ये फ्राई हो रहा है, अभी कलर चेंज होना शुरू हो गया है इसका। पानी अपना प्याज का भी है, कीमे का भी है, हमने कोई पानी नहीं डाला इसमें। सारे ड्राई स्पाइसेस जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले, वो सारे चले जाएंगे इसमें। बहुत मज़ेदार घर के मसालों से तैयार हो जाने वाला, बहुत झटपट और आपके बजट के अंदर, सबसे बड़ी बात ये। क्योंकि कभी कभी आपके पास कोई चीज़ क्वांटिटी में कम होती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, आपको कुछ और ज़्यादा नहीं बनाने का दिल चाह रहा होता, तो ये क्वांटिटी से प्याज से इसकी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये आप लोग दावतों के लिए तो खास तौर से नोट डाउन करके रखें, ये बड़ा भाई अंडर बजट कीमा है। तो बस अब ये अच्छे से मसाले इसमें सारे कीमे में जा रहे हैं। मैं हल्का सा 1-2 टेबल स्पून पानी डालूंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए रख दूंगी। अच्छा सा ये कुक हो जाएंगे, सारे स्पाइसेस चले जाएंगे कीमे में, इनका अरोमा स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो फिर हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो हमने दही लिया है वो, और 2 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी। अभी मैं लेट लगा के इसको रख रही हूँ थोड़ी देर कुक होने के लिए। तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी मैं आप लोगों के सामने भर के डाल देती हूँ। बस अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। मटन का कीमा है, जल्दी से रेडी हो जाएगा, और अगर बीफ का हो तो थोड़ा ज़्यादा देर आप लोग पकाइएगा। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ, लिड लगा रही हूँ, और तकरीबन 15 मिनट में इसे कुक होने दूंगी और फिर डालेंगे हम लोग टोमेटो प्यूरी और दही और फिर आपको दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन इसको 10 मिनट अच्छे खासे मसालों के साथ पक गया है, ज़बरदस्त मसालों की खुशबू आ रही है। अब तकरीबन जो मैंने आप लोगों को बताया था 2 टेबल स्पून दही वो चला गया, उसके साथ ही 2 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी, टोमेटो प्यूरी ना हो तो 2 टमाटर पीस लीजिएगा, बहुत मज़ेदार टेस्ट लगता है दोनों का, दही का और टमाटर का। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग ना डालें, क्योंकि अमूमन स्टू के कीमे में बहुत सारे लोग नहीं डालते,
लेकिन इससे कीमे का ग्रेवी भी थोड़ी अच्छी मज़ेदार सी बन जाती है, कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें कुछ लोग पेपरिका पाउडर भी डालते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी डालते हैं। अगर आप लोगों को उसका टेस्ट पसंद हो तो आप लोग डालें। हमने रेड चिली फ्लेक्स ले लिए थे और रेड चिली पाउडर ले लिया था। बस अच्छे से अब ये इसी दही के अपने पानी में और टमाटो प्यूरी के पानी में मज़ीद कीमा कुक करेंगे हम लोग तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद, और फिर अच्छे से भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें लास्ट में गार्निशिंग करेंगे अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, और इसको साथ आप लोग बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। रोटी के साथ तो हम आपको बहुत दफ़ा दिखा चुके हैं, आज चले राइस के साथ दिखा देंगे, या दिल चाहे रोटी के साथ भी दिखा देंगे। चलें बस अब हम इसको पकने के लिए छोड़ रहे हैं। तकरीबन 10-12 मिनट की मज़ीद कुक होगा, फिर मज़ेदार किस्म का हमारा स्टू का कीमा रेडी हो जाएगा और ऊपर से हम अपना रिमेनिंग जो अनियन है वो डालेंगे। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से हमारा कीमा जो है टोमेटो प्यूरी डालने के बाद, योगर्ट डालने के बाद सब भुनाई के स्टेज पर आ गया है। जो मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा सा रखा था, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, इसको डाल के मैं अच्छा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूस कीमे को भूनती रहूँगी ताकि बहुत अच्छे से कीमा भुन जाए और गरम मसाला साबुत जो है उसकी खुशबू कीमे में खूब रच बस जाए। उसके बाद हम जो है इसके साथ भूनने का, तो ऑयल तो हमारा आना शुरू हो गया है, ऊपर कीमा भुन रहा है। इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उसमें मैं डालूँगी ये वाली प्याज जो कि आधी हमारी फाइन चॉप हुई भी रह गई थी, इसीलिए इसका नाम है दो प्याज़ा कीमा या स्टू का कीमा कह लीजिए। ये बहुत मज़े का बनता है, ये वाली अनियन जो क्रंची क्रंची होके मुंह में आती है बहुत मज़े का टेस्ट देती है। बस इसके साथ में थोड़ी देर इसको और कुक करूँगी और डिश आउट करूँगी और आपको गार्निश करके हमारा स्टू का कीमा या फिर दो प्याज़ा कीमा डन करके दिखाएंगे। बस इसको 2 मिनट हम अच्छे से यहाँ पर मीडियम से लो फ्लेम पर भूनते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स फाइनली हमारा 15-20 मिनट्स में दो प्याज़ा कीमा स्टू का कीमा रेडी हो गया है। बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़े का, बहुत अच्छी से हमने गार्निशिंग करी है कुछ अदरक कुछ हरी मिर्चों के साथ। दिखने में तो रेड रेड लग रहा है लेकिन आप लोगों ने देखा है कि हमने इसमें स्पाइसेस बहुत कंट्रोल्ड डाले हैं। इसी तरह से बनाएं, ट्राई करें, राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मेरी सारी वीडियोस जल्द से जल्द देखते रहें। बेल आइकन हिट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक और बहुत मज़ेदार, इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें मेरी वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।